दोस्तों, भारत में कई ऐसी रहस्यमय जगहें हैं जिनके सीने में छुपे राज को आज तक कोई भी नहीं जान पाया। एक ऐसी जगह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से लगभग 145 किलोमीटर दूर, जिसे उनाकोटी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ आपको 99,99,999 पत्थर की मूर्तियाँ हैं, जिनके रहस्यों को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। जैसे कि ये मूर्तियाँ किसने बनाई, कब बनाई और क्यों बनाई, और सबसे जरूरी कि ये 1 करोड़ में एक कम ही क्यों। हालांकि इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं जो हैरान करने वाली हैं। इन रहस्यमय मूर्तियों के कारण ही इस जगह का नाम उनाकोटी पड़ा, जिसका अर्थ होता है करोड़ में एक कम। इस जगह को पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। कई सालों तक तो इस जगह के बारे में किसी को पता ही नहीं था, हालांकि अभी भी बहुत से कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं। उनाकोटी को रहस्यों से भरी जगह इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका है जो दूर दूर तक घने जंगलों और दलदली इलाकों से भरा है। अब ऐसे में जंगल के बीच में लाखों मूर्तियों का निर्माण कैसे किया गया होगा, क्योंकि इसमें तो सालों लग जाते हैं और पहले इस इलाके के आसपास तो कोई रहता भी नहीं था। यह लंबे समय से शोध का विषय बना हुआ है। यहाँ पत्थरों पर उकेरी गई और पत्थरों को काटकर बनाई गई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के बारे में एक कथा बहुत प्रचलित है। मान्यता है कि एक बार भगवान शिव समेत 1 करोड़ देवी देवता कहीं जा रहे थे। रात हो जाने की वजह से बाकी के देवी देवताओं ने शिव जी से उनाकोटी में रुककर विश्राम करने को कहा। शिव जी मान गए, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सूर्योदय से पहले ही सभी को यह स्थान छोड़ देना होगा। लेकिन सूर्योदय के समय केवल भगवान शिव ही जग पाए, बाकी के सारी देवी देवता सो रहे थे। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और श्राप देकर सभी को पत्थर का बना दिया। इसी वजह से यहाँ 99,99,999 मूर्तियाँ, यानी कि 1 करोड़ में एक कम, अर्थात भगवान शिव को छोड़कर। इन मूर्तियों के निर्माण को लेकर एक और कहानी प्रचलन में है। कहते हैं कि कालू नाम का एक शिल्पकार था जो भगवान शिव और माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। हालांकि शिल्पकार की जिद के कारण भगवान शिव ने उससे कहा कि अगर एक रात में 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां बना दोगे तो वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। यह सुनते ही शिल्पकार जी जान से अपने काम में लग गया और तेजी से एक एक करके मूर्तियों का निर्माण करने लगा। उसने पूरी रात मूर्तियों का निर्माण किया, लेकिन सुबह गिनती की गई तो पता चला कि उसमें एक मूर्ति कम है। इस वजह से उस शिल्पकार को भगवान शिव अपने साथ नहीं ले गए। माना जाता है कि इसी वजह से इस जगह का नाम उनाकोटी पड़ा। पर आपको क्या लगता है, ये कहानी सच होगी या अफवाह? अगर अफवाह है तो सच क्या है, अगर सच है तो यह कैसे संभव है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर देना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर देना, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।